दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आज शॉप से अपने एक नए वीडियो के साथ। अभी दोस्तों मुझे कमेंट आया था कि अपने को जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं उनको बड़ा कहते, तो मैंने अपने कबूतर वाला कि इनको दे दिया है। जो मेरे नर कबूतर थे उनको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है और अपने ऑस्ट्रेलियन तोते को यहाँ दे दिया है। आप सोचोगे मेरे पास तो 6 ऑस्ट्रेलियन तोते थे ना, तो मेरे पास 2 और आ गए हैं। मेरे नाना नानी वालों के पास 2 थे तो मैं वहाँ से लेकर आ गया हूँ, एक ये वाला और एक वो जो अकेले ऊपर बैठा हुआ। इनके लिए हमें फीमेल लानी होगी, ये दोनों मेल हैं। हम संडे या फ्राइडे मार्केट जाएंगे तो इन दोनों के लिए फीमेल ले आएंगे। और भी इनके 2-3 हम आई थिंक ले आए और कुछ बर्ड्स लाएंगे और हमारे यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं मेरे मेल। हमारे जो 35 वाले कबूतर थे वो अंडों पर बैठे हुए हैं और ये जो वाइट वाले पैर थे इन्होंने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया और उनके तो छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। इनके भी 2-3 दिनों में बच्चे निकलने वाले हैं और ऊपर वालों के अंडे ख़राब हो गए और इनके भी जल्दी बच्चे निकलेंगे और 35 वालों के बच्चे मुझे देखने का बहुत जल्दी है। हमारी जो मादियाँ थी वो ये हैं और इनके भी माशाल्लाह से पर आ गए हैं। इनको भी फिर हम उड़ाएंगे, 2-3 दिन है इनके पर आ जाएँ फिर हम इनको भी उड़ाएंगे। आप सोच रहे होंगे मेरे लैला मजनू कहाँ, उनका तो वो पिंजरा था तो वन में हमने मेल डाल दिया। लैला मजनू कहाँ पे होंगे, तो लैला मजनू को हम वो अलग केज है ना उसमें छोड़ देते हैं। और 2-3 दिनों में हमारा हमने कारपेंटर को ऑर्डर दे दिया है, वो भी आएगा फिर हमारे लिए लैला मजनू के लिए। और वाइट और ब्राउनी तो उसी में रहते हैं, कुकी मुकी के लिए वो केज बना कर जाएगा। फ्रेंड्स मैंने अभी वाइट और ब्राउनी और अपने वाइट वाले 6 लैला मजनू इन सारों को खोल दिया है। तो अब मैं आप लोगों को अपना असली मुर्गा और असली ये दिखाता हूँ। ये हमारी ब्लैकी आप सब लोग जानते हैं और ये इसके बच्चे, इसके बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए। और ये हमारा सील मुर्गा, इसने इसकी देखे पूछ टूटी है। और यहाँ हमारे रैबिट के नाम हमने रख दिए थे चिंकी मिंकी। ये है हमारी चिंकी, वो है हमारी मिंकी। तो दोस्तों ये जो हमने नाम रखे हैं चिंकी मिंकी, ये हमारा एक सब्सक्राइबर है, उनके उन्होंने हमें कमेंट करा फिर हमने चिंकी मिंकी रख दिया। फ्रेंड्स हमारे पास ये जो पिजन है ये हमें एक भाई ने गिफ्ट करे हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है। कितने अच्छा है ना ग्रे ग्रे कलर से। और ये नीचे वाले भी गिफ्ट करे हमें, ऊपर वाला जोड़ा अच्छा है ये वाला, कमेंट में बताएं। हैं हमारे वाइट वाले चिक्स, ये भी कितने बड़े हो गए हैं। गर्मी बहुत है तो मुझे भी प्यास लग रही है, इनको भी मेरे साथ प्यास लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे ये वाले पिजन गर्मी बहुत है तो ये अभी नहा रहे पानी है, नहा रहे थे मैं हया डर के भागकर। और हमारे जो वो पिजन थे उनका बच्चा जब से मर गया है तब से पता नहीं ये अंडे भी नहीं दे रहे, क्या हो गया इनको। और एक ही बॉक्स में ना इन लोगों ने 3-3 जोड़ों ने एक साथ घर बनाया हुआ है। ये हमारे पिजन और इनका जो बच्चा है वो कितना बड़ा हो गया है आप लोग देखें। ये ना ही माँ पे गया है ना ही बाप पे गया है, ग्रे कलर का है। और दोस्तों ये हमारे ये वाला जोड़ा, इनका बच्चा तो बहुत ही बड़ा है माशाल्लाह। ये हमारा नीचे वाले पिजन, इनका बच्चा अभी बड़ा हुआ नहीं है, अंडे पहले दे दिए हैं, इनके अंडों में से फिर बच्चे निकलेंगे। बस तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं भी पिजन्स के लिए पानी रखता हूँ, जंगली जानवरों के लिए आप भी रखा करें। देखो पानी फुल भरा हुआ है, अभी भी थोड़ी देर आए थे जंगली, वो पानी पी कर गए, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। मैंने अपनी 2-3 वीडियोज में दिखाया है चिड़िया आती है पानी पीने, गल आती है, तो आप भी रखा करें। और दाना अभी आप 20-30 का लेकर अपनी छत पर रख दिया करें जंगली पिजन्स के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमने अपने पिजन्स के लिए भी पानी रख दिया है वहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन तोतों के लिए भी रख दिया है और हमारे मेल पिजन्स के लिए भी रख दिया। अब ऑस्ट्रेलियन तोतों को मैं दाना दे रहा हूँ इनकी कमी। और ये जो है ये है समंदरी झाग, ये जो अगर खाएंगे तो इनके अंडे बहुत जल्द आएंगे, ये भी हम रख देते हैं। और इतना सही है
तो फ्रेंड्स अभी मैंने इनको रख दिया है दाना पानी। तो फ्रेंड्स मैं एक बात बोलना ही भूल गया, ये हमारे बडीज के लिए कैसा है? ये एक, ये दो, तीन, चार मटकियां हैं और हमारे पास यहाँ पर पैर भी अभी तीन है। और वो जो हमारे पास मटकियां दो एक्स्ट्रा इसीलिए हैं क्योंकि वो जो मैंने आप लोगों को बताया था अपने मामू वालों के घर से लाया था दो मेल, उनके लिए हमें फीमेल लानी है। तो पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, फाइव पेयर्स, तो उनके लिए मटकियाँ भी काफ़ी होंगी। और अगर ये पिंजरा इनके लिए सही नहीं है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं कहीं और बनवाऊँ। और इसमें और कितने पेयर्स होने चाहिए? मेरी यह वीडियो इसी के साथ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं मिलता हूँ कल अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।